अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के टेस्टी कटलेट, जो कि बड़ी ही शानदार रेसिपी है और आप इसे बड़े आराम से अपने घर में बना सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो आलू लिए हैं, जो कि हमने बड़े आलू लिए हैं और इनको उबाल के हमने ठंडा कर लिया है। साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा पनीर, जो मैश किया हुआ है हाथ से ही, और तकरीबन ये 2 टेबल स्पून होगा, या फिर आप वजन से लें तो 50 ग्राम है। हरा धनिया हमने खूब सारा लिया है, एक हरी मिर्च हमने बारीक चॉप कर ली है, एक छोटा प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये कुछ मसाले हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून जाएगा जीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। यहाँ पर आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। 1/2 टीस्पून लेंगे भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा। नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिलहाल हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है हमने, जो कि हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। और एक लिया है हमने अंडा। तो सबसे पहले हम ये आलू लेंगे और इनको हाथ से मैश कर लेंगे। आलूओं को हमने हाथ से मैश किया है, आप इसे कद्दूकस में क्रश ना करें। इसमें डाल देंगे सारे पाउडर मसाले, इसमें डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है बिल्कुल, इसमें नमक टेस्ट कर लें यहाँ पर। अब लेंगे हम आलू के जितना हमें साइज रखना है उस हिसाब से आप ले लें, और इसमें रखेंगे हम पनीर, थोड़ा सा पनीर लेकर इसमें हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे और इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको और ये देखिए हमारा बिल्कुल कटलेट तैयार है। आप अपनी मनचाही शेप में इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये कटलेट लगते हैं जब हम इसे बनाते हैं तो, और सबसे बड़ी बात तो ये बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसी तरीके से हम सारे कटलेट बनाकर रख लेंगे। तो कटलेट हमने सारे बनाकर रख लिए हैं और इसमें अब हमने अंडा भी फोड़ लिया है। इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी डालेंगे इसमें हम काली मिर्च और इसे हम फेंट लेंगे। अब हमने एक पैन रख दिया है और इसमें रख दिया है 1/2 कप तेल। सबसे बड़ी बात ये ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई होते हैं। अब अंडे में इसको हम डिप करेंगे इस तरीके से और इसको डाल देंगे पैन के अंदर। आपको इसमें गैप रख के रखना है, यानी कि इसको ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो इसको पलटने में परेशानी होगी। हमें इसको मीडियम लो हीट पे करना है, ज़्यादा तेज हीट पे हम नहीं करेंगे। तकरीबन 1 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। कलर बहुत खूबसूरत आने लगा है इसके ऊपर। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमने इसको 1 मिनट सेक लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने फ्राई कर लिया है, इसी प्रोसेस से हम सारे जो हमारे कटलेट हैं उसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आलू के कटलेट हमारे बिल्कुल तैयार हैं, पनीर के और अंडे के ट्विस्ट के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, सबसे बड़ी बात आपके बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी अच्छी बनने वाली रेसिपी है, और जब वो कुछ आपसे डिमांड करेंगे और आपके पास कुछ नहीं होगा, बाई चांस ऐसा होता है कि कभी कभी घर में कुछ नहीं होता लेकिन आपके पास आलू है, तो जल्दी से आप इसे बनाकर दे सकते हैं। तो साथ ही पनीर के फायदे भी हैं इसमें बहुत सारे, और इसमें अंडे की लेयर भी है जो कि बहुत टेस्टी है। शाम के नाश्ते में, सुबह में, या फिर लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, साथ ही मेहमानों के आगे भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली रेसिपी है ये, साथ ही हम आपको काट कर भी दिखाते हैं इसको। तो देखें, ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे ये कबाब बने हैं। तो पनीर की फिलिंग के साथ और बहुत सारे टेस्ट के साथ इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।